हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज का इस मेरी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट स्टोरी इस लाइफ मोटिवेशन से रिलेटेड सुनाऊंगा, जो कि हम सब के साथ कहीं ना कहीं एक बार होती है और होती रहेगी शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर आने वाला जो है वो तो और ही रिस्कली है रिश्ते निभाने के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल। और अगर ये वीडियो या स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल एम एस वर्ल्ड स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा थॉट, सिंपल सा है कि मैरिज जब हो जाती है एक लड़के की, तब तो उसके बाद की कहानी है। तो यहाँ पे थॉट हम पहले एक नंबर पर रखते हैं कि हमने लिखा था कि शादी के बाद कोई अपना नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद सबको रिश्ते निभाने में तकलीफ़ होने लगती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किसी लड़के की मैरिज हो जाती है तो उसके घर वाले कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगते हैं कि पहले की तरफ हमारा लड़का नहीं सुनता या फिर नहीं समझता या फिर नहीं वो सारी चीज़ें देता, रुपये पैसे से लेकर के सारी चीज़ें, ना वक्त ना पैसे। तो फिर उनका अलग सा एक फैमिली को महसूस होता है, जिसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर ऐसा होता भी कहीं कहीं जगह कि हम अपनों को वक्त नहीं दे पाते मैरिज के बाद, हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास मुसीबत का वक्त ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अर्निंग के काम पर देते हैं टाइमिंग, और बचा हुआ अपने हम सफ़र को या वाइफ को, और फिर उसके बाद अगर थोड़ा बहुत वक्त मिला तो फिर अपनों को देते हैं या दे पाते हैं, या फिर देने में तकलीफ़ या फिर देने में थोड़ी समस्या आ जाती है वक्त, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आती हैं समस्याएं। तो मेन पॉइंट है ये कि मैरिज के बाद कोई अपना नहीं होता, इस बात को सोच कर चलना चाहिए। और जिसे नहीं सोचना है तो ना भी सोचे, बट जिसके रिश्ते चल रहे हैं चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक जानता हूँ सिंपल सी बात कि आपके शरीर की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक कि आपका शरीर चल फिर रहा है, कुछ काम करने के काबिल है, पैसा बनाने के काबिल है तब तक। और जब आपका शरीर चलने लायक नहीं रहेगा, मतलब वृद्ध अवस्था या कोई गंभीर बीमारी में जब आप उलझ जाएंगे, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, तो उस टाइम पर कोई साथ देने वाला नहीं है। और जो हमारे आने वाले टाइम में बच्चे हैं उनकी भी कोई खास गारंटी नहीं है। बाकी हम उम्मीद तो सबसे अच्छे की रखते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा, साथ देगा या नहीं, ये बात गारंटेड है। तो फ्यूचर को फ़िलहाल कोई नहीं देख सकता, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और लगाते हैं। तो किसी किसी के अंदाज़ा सही होता है और किसी किसी का मैच नहीं खाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी मैरिज के बाद अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो फिर सब लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसीलिए फिर पहले की तरह सारी चीज़ें नहीं होती, तो रिश्तों में फ़र्ज थोड़ा कम हो जाता है। और जब रिश्तों में फ़र्ज निभाने का कम हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अपनों से जो पहले की तरह बोल चाल व्यवहार रहता है वो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। और फिर क्योंकि हम सारा टाइम हम सफ़र या फिर जो जिसके साथ हमारी मैरिज हुई है उसको देने लगते हैं, और उस बीच में अपने ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती हमारी, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, मिडिल क्लास फैमिली की अकॉर्डिंग ये बात सुना रहा हूँ मैं। तो फिर हम अपने घर वालों को पैसे भी नहीं दे पाते कभी कभी, या फिर कहीं ना कहीं। तो फिर उस टाइम पर कहते हैं कि सारे पैसे खा जाते हैं और सोचने वाले सोचते हैं। और फिर जब हम अपनों को पैसे नहीं दे पाते या फिर वक्त नहीं दे पाते, तो फिर जो चाहते वो धुंधली पड़ जाती है। और जब धुंधली पड़ जाती थी फिर धीरे धीरे अटैचमेंट ख़त्म, और फिर एक दिन बंटवारा हो जाता है। तो कहानी का सारांश सीधा सिंपल सा है, जो अभी जिनकी मतलब मैरिज नहीं हुई है वो रिश्ते निभा रहे हैं, वफादारी कर रहे हैं, सब लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करो जहाँ तक जिसका चले वहाँ तक करो। लेकिन इस बात को भी बीच में सोच कर चलना कि मैरिज के बाद कोई गारंटी नहीं कि कोई किसी का साथ देने वाला है, क्योंकि वफादारी चाहे जितनी कर लो लास्ट में कहने को और सुनने को ही मिलेगा
तुमने अपने लिए किया है, हमारे लिए क्या किया है तुमने? तो सीधी सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं कि मेरा पुराना डायलॉग है या फिर एक थॉट है कि वफादारी हमेशा लिमिट में रखनी चाहिए, वरना महंगी पड़ती है। क्योंकि भाई 25 या 26 या मान लो कि जब तक आपकी मैरिज नहीं होती, उसकी पहले की लाइफ का अर्निंग का जो भी है, हम देते रहते हैं जितना हमसे बन सकता है पैसे। और फिर जब हमारी खुद की बारी आती है या फिर मैरिज के बाद हम थोड़ा सा अलग टाइप जीना शुरू कर देते हैं किसी के साथ, तब फिर वो कहते हैं या कुछ फैमिली उसके मदर फादर से रिश्तेदार या अपने कहते हैं कि अब तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। इसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, फिर अपने 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 काम से काम मतलब होने लगता है, और धीरे धीरे लगाव कम, और फिर एक दिन समझ में आ ही जाता है कि अकेले जीना ही अच्छा है। तो इसीलिए रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारी सलाह और हमारा अनुभव तो यही है कि थोड़ी सी दूरियां रिश्तों में बना लो, लेकिन झगड़ा करके हमें दूर नहीं होना। मतलब थोड़ी सी दूरियां बना करके जीना सही है, बजाय एक ही घर में दोनों टाइम झगड़े के। तो झगड़ा नहीं होने देना चाहिए, चाहे थोड़ी सी दूरी बनाकर जियो और ख्याल जरूर रखो। क्योंकि हम इस बात को नहीं सुनना चाहते मोहल्ले से या फिर खुद से या अपनों से कि शादी के बाद बिल्कुल तूने हम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। वफादारी हमें करनी आती है और सीखना भी चाहिए, लेकिन सही तरीक़ों से। मतलब मैरिज के बाद अपनों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम आपको वक्त नहीं दे पाते, उनको एडजस्ट करना पड़ता है फिलहाल तो। क्योंकि हम मैरिज के बाद एक की नहीं सुन सकते, हमें दोनों तरफ की सुन के चलना पड़ता है। एक हस्बैंड को हमें दोनों तरफ सुन के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ किसी भी एक तरफ की सुनेंगे, अगर घर वालों की सुनेंगे तो अपने ससुराल वाले या अपनी वाइफ की नज़र में हम बेकार साबित हो जाएंगे, और अगर सिर्फ हम उसकी सुनेंगे तो हम अपने मोहल्ले या घर के आसपास या अपने घर वालों की नज़र में डैमेज कंडीशन वाले हो जाएंगे। तो होता है, इसीलिए इस बात को पूरी अच्छी तरह समझा जाए कि शादी के बाद कोई अपने नहीं होता। क्योंकि अपने भी कहने लगते हैं, बेटा अब तुम अपने परिवार को देखो और हमारा मत सोचो, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने हिसाब से। जहाँ पर ये बात कह दी जाती है वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि लगता है अब अपना ही रास्ता देखना होगा, तो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस स्टोरी को अब यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और अगली बार फिर कोई अच्छे से थॉट के साथ मैं कोई ना कोई एक स्टोरी ज़रूर आपको सुनाऊँगा। एंड आपको अगर स्टोरी समझ में आती है बेस्ट मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड माई चैनल MS वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल थॉट्स एंड स्टोरीज आपको सुनने के लिए इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू so much.